आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। जिन किसानों को बीजेपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचल दिया गया, खालिस्तानी कहकर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा दिए गए, भाजपा कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और गोदी मीडिया के जरिए जिन्हें बेरोजगार अराजक बताया जाता रहा और इन सब पर नरेंद्र मोदी मूक सहमति देते रहे, आखिरकार उन्हीं किसानों के सामने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को झुकना पड़ा है। 19 नवंबर की सुबह 9 बजे टीवी पर आकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे। मोदी की यह घोषणा देश के किसानों की ऐतिहासिक सफलता है, जो अनुशासन और अहिंसा के बल पर अपने मकसद के लिए आंदोलन करते रहे। इस आंदोलन को देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस आंदोलन में 700 किसानों की जान जा चुकी है। 26 नवंबर को दिल्ली सीमाओं पर शुरू हुए इस आंदोलन के 12 पड़ाव जानिए, जिसने इस आंदोलन में समय समय पर जान फूंकी। नंबर 1, दिल्ली सीमा छोड़ने पर ही बातचीत का प्रस्ताव खारिज। 25 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को 28 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव रखा कि जैसे ही किसान दिल्ली सीमाएं छोड़कर बुराड़ी के प्रदर्शन स्थल पर चले जाएंगे, उनसे वार्ता की जाएगी। पर किसानों ने अविश्वास जताकर यह प्रस्ताव ठुकराते हुए मांग की कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध धरना करने दिया जाए। इस तरह 25 नवंबर के बाद से लगातार किसान दिल्ली सीमाओं पर ही बने रहे। नंबर 2, कानून में संशोधन पर भी नहीं बनी बात। सरकार ने पहली बार 3 दिसंबर को किसानों से बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर 9 व 11 दिसंबर को बात की गई। इस बार सरकार ने प्रस्ताव रखा कि वह नए कृषि कानून में कुछ संशोधन कर सकते हैं, पर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह प्रस्ताव ठुकरा कर नए कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग दोहराई। बाद में सरकार से 18 महीने तक कानून को स्थगित रखने का प्रस्ताव संगठनों को दिया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। नंबर 3, कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र को नए कृषि कानून लागू न करने का आदेश दिया। साथ ही 4 सदस्यीय एक समिति बनाई, जो दोनों पक्षों को सुनकर कानून पर अपनी सलाह देगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार है। दूसरी ओर सरकार ने बिजली से जुड़े कानून में बदलाव न करने की किसानों की मांग मान ली, पर नए कृषि कानूनों पर अड़ी रही। नंबर 4, एमएसपी की मांग से बड़ा विवाद। दिल्ली की सीमा पर जब किसानों को 1 महीना होने जा रहा था, सरकार की ओर से भी वार्ता के प्रस्ताव आ रहे थे, तब यह मामला एमएसपी को लेकर खिंच गया। 23 दिसंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में किसानों से कहा गया कि सरकार वार्ता को राजी है, मगर आपसे अनुरोध है कि वार्ता के लिए एमएसपी जैसे मुद्दों को हटा दिया जाए, क्योंकि इसका नए कृषि कानून से कोई संबंध नहीं है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग नए कृषि कानूनों के निरस्त्रीकरण से जुड़ा मुद्दा है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इस मसले के बाद विवाद बढ़ता चला गया। नंबर 5, लाल किला हिंसा और टिकैत के आंसू। 2 महीने से चल रहा आंदोलन 26 जनवरी को हिंसक हो गया, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत हो गई। लाल किला परिसर में घुसी युवाओं की भीड़ ने हिंसा की, जिससे प्रदर्शन के समर्थन में आए लोग भी विरोध में आ गए। इस घटना के बाद कुछ संगठनों ने प्रदर्शन वापस ले लिया। कानूनी कार्रवाई के डर से कई तंबू उखड़ गए। इसके तीसरे दिन राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने किसी भी कीमत पर धरना स्थल न छोड़ने की बात कही। किसानों के बीच टिकैत के इस बयान ने बड़ा असर किया और देखते ही देखते सैकड़ों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर वापस लौट आए, जिसने धरने में जान फूंकी। नंबर 6, बैरिकेडिंग से बड़ा गुस्सा, टूल किट से तूल मिली। लाल किला हिंसा के बाद दिल्ली सीमा पर तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई, सड़कों पर कीले तक गाड़ दी गई। ऐसी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब जगह बनाई और इसे युद्ध सीमा से जोड़कर आलोचना की गई। इससे किसानों के समर्थन में माहौल बनता चला गया। दूसरी ओर इसी दौरान केंद्र सरकार ने दावा किया कि लाल किला हिंसा के लिए बाकायदा एक टूल किट बनाई गई थी। इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। थनबर्ग व अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट किए, जिससे मामला तूल पकड़ता चला गया।
नंबर 7, दूसरी लहर में धीमे पड़े आंदोलन को चौटाला का समर्थन। दूसरी लहर और रोपाई के समय के कारण अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान कुछ ट्रैक्टर भरकर किसान पंजाब वापस लौटे। 15 अप्रैल को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के साथ वार्ता शुरू करने की अपील की। सरकार के सहयोगी दल से मिले इस समर्थन को हरियाणा के किसानों ने अपनी जीत माना। मई में आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर टिकैत बोले, अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन 2024 तक चलेगा। नंबर 8, किसान संसद ने दिया नया मुकाम। किसानों ने क्रांतिकारी भगत सिंह के जन्म दिवस के बाद से लगातार छोटे छोटे प्रदर्शन शुरू कर दिए। 26 जून को 7 माह पूरे होने पर दिल्ली जाकर मार्च करने की योजना बनाई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के किसानों को गिरफ्तार करने का दावा हुआ। फिर किसान संगठन ने संसद सत्र की शुरुआत पर समानांतर किसान संसद चलाई, जिसमें हर दिन 200 किसान जंतर मंतर पर यह संसद लगाते थे। इस गतिविधि को विपक्ष और मीडिया का खूब साथ मिला। नंबर 9, महापंचायत करके वोट की चोट की चुनौती। हाल के दिनों में किसान आंदोलन का सबसे बड़ा आयोजन 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के रूप में हुआ। यहां किसान संगठनों ने किसानों के सामने घोषणा की कि आगामी चुनाव में वे सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। राकेश टिकैत ने बयान दिया कि अब सरकार को वोट की चोट दी जाएगी। विपक्ष ने महापंचायत का समर्थन किया, हालांकि किसी विपक्षी दल के नेता को मंच नहीं साझा करने दिया गया। नंबर 10, करनाल हिंसा के खिलाफ सफल धरना। महापंचायत के तुरंत बाद 7 सितंबर से किसानों ने करनाल में धरना शुरू कर दिया और स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई की मांग उठाई। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में कथित रूप से एक पुलिस ऑफिसर के आदेश पर किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। इस घटना में एक किसान की मौत का दावा किया गया था। किसानों के 5 दिन के धरने के बाद सरकार झुकी और अफसर को निलंबित करके न्यायिक जांच बैठाई गई। इस जीत ने सरकार को टक्कर दे रहे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। नंबर 11, 3 अक्टूबर, खीरी में किसानों को गाड़ी से